और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ न्यूज़। आज हम लोग बैठे हुए हैं दानापुर की राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र से एक जाना पहचाना नाम धीरज यादव, जो कि पिछले 10-15 वर्षों से कहीं ना कहीं दानापुर में एक बतौर राजनीतिक और समाज सेवी के रूप में जाने जाते रहे हैं। और इस बार उन्होंने दानापुर नगर परिषद में बतौर उपाध्यक्ष अपनी दावेदारी पेश करने का निर्णय लिया है। तो आइए सबसे पहले हम उनसे जानेंगे कि इस निर्णय के पीछे उनकी क्या सोच है। जी धीरज जी, बताइए कि अभी आप जो ये अपनी उम्मीदवारी पेश करने जा रहे हैं उपाध्यक्ष पद के लिए, तो इस ये विचार आपके मन में कहाँ से आया? विचार तो मनीष जी, हम लोग 10-12 साल से सामाजिक कार्य में रुचि रखते हैं और वर्तमान में हमारी पत्नी वार्ड पार्षद है। और अभी कुछ दिन पहले जो निर्णय आया है सरकार का, पहले होता था कि पार्षद की चुनाव होती थी जनता द्वारा और पार्षद चुनते थे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और अभी जो सरकार द्वारा निर्णय आया है कि डायरेक्ट अध्यक्ष उपाध्यक्ष और पार्षद का चुनाव पब्लिक करेंगी, ठीक है ना। तो हम लोग 10 वर्षों से लगभग दानापुर नगर परिषद के राजनीतिक में सक्रिय रहे हैं। हमारी अपनी दोस्त सब लोग हैं, पार्षद हैं, और उसके बाद हम लोग भी दानापुर नगर परिषद में अच्छा सा सेवा योगदान देते रहे हैं। तो जो ये चुनाव आई है पब्लिक वोटिंग का, पब्लिक वोट करेगी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुनेगी, तो लगभग हम लोग भी 10 साल से पार्षद रह चुके हैं अब, और हमारे जो वार्ड का विकास किए हैं, हम चाह रहे हैं कि अब इसको आगे बढ़ाए, पूरे दानापुर में नगर परिषद में इसका विकास करें। तो क्या मतलब आपको पहले जो की बात बता रही है, अभी जो स्थिति है, जो सिस्टम चला रहा था, तो उसमें क्या कुछ कहीं आपको लगता था कि विकास कार्य में उससे बाधा होती थी कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष पार्षद चुनते थे, तो क्या कुछ उसको लेकर राजनीति होती थी वहाँ? हाँ, होती थी, पारदर्शिता नहीं था, क्योंकि वहाँ होता क्या था कि गुट होता है, एक गुट उधर एक गुट उधर। और अभी जो पब्लिक द्वारा हुई ये ठीक है, जनता डायरेक्ट चुनेगी पार्षद को भी, जनता डायरेक्ट चुनेगी अध्यक्ष, डायरेक्ट जनता डायरेक्ट चुने उपाध्यक्ष। और जो मतलब मान लीजिए कि मेयर गुट के आदमी हैं उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा मिलता था, जो विरोध में है उन्हें थोड़ा सा कम मिलता था, तो अब ये सब होने से सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो जैसे कि अभी तक आप एक वार्ड की राजनीति में सक्रिय रहे, अब बात आप कर रहे हैं पूरे 40 वार्ड की, तो क्या कुछ आपके मन में, किस तरह से काम करेंगे, क्या कुछ आपने इसके लिए कोई रोड मैप, कुछ योजनाएं बना रखी हैं? देखिए मनीष जी, लगभग हम लोग सब वार्ड घूमे हुए हैं, 40 वार्ड, और पूरे हर एक वार्ड में एक से लेकर 40 तक टोटल जगह जो प्रॉब्लम है हम लोगों ने आँखों से देखा है और उसका निराकरण हम लोग प्लान कर चुके हैं, ठीक है ना। अगर जनता हमको मौका देती है तो एक साल के अंदर में परिवर्तन करके दिखाएंगे। ऐसी काम से मेरा नाम भी है कि काम करते, बोलते कम है, काम ज़्यादा करते हैं। अभी फ़िलहाल अभी आप देख रहे हो कि अभी इधर लगातार अखबारों की सुर्खियाँ बन रही है कि दानापुर नगर परिषद में महंगी दरों पर मशीनें खरीदी जा रही है, उनके मेंटेनेंस पर अनाप शनाप बिल दिया जा रहा है, और उसके अलावा एक जनता की भी शिकायत है कि बरसात का समय आ रहा है और नाली उड़ाही का काम जो है कि वो सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो क्या कुछ कहना है इस पर आपका? तो 2-3 दिन पहले पेपर में देखे थे हम, हेडलाइन था 65 लाख रुपये की मशीन, 1 करोड़ लगभग रख रखाव में खर्च। पूरा तो हम नहीं पढ़ पाए मनीष जी, लेकिन दानापुर तो नगर परिषद में चलता रहता है ये सब। और जो पानी की बात है, समस्या पानी की समस्या में थोड़ा बहुत राहत आया, उड़ाही हुआ लेकिन ठीक ढंग से नहीं हो पाया। उड़ाही होती है तो कचरा रोड पे रह जाता है, कचरा फिर बेचा जाता है, उसको बहुत तरह का है मामला। और अगर उड़ाही हो गया तो कई जगह बहुत ज़्यादा डीप हो गया है, जिससे बच्चे गिर जाते हैं, गाय गिर जाती है, बहुत सारे गाड़ी मोटरसाइकिल गिर जाते हैं, तो उसको ड्रेनेज बनाना ज़रूरी भी है। अगर जनता आपको अपना समर्थन देती है, अपना आशीर्वाद देती है, तो सबसे पहले अगर आप नगर परिषद में अगर आपकी एंट्री होती है तो क्या कुछ कदम होगा सबसे पहला आपका? जैसे जनता हमको अगर मौका देती है, एंट्री देती है, तो सबसे पहले तो नगर परिषद ऑफिस को ठीक करना होगा हमारा काम, क्योंकि सारा सिस्टम वहीं से है।
अगर वहाँ का सिस्टम ठीक हो गया तो पूरे दानापुर नगर परिषद में कहीं कोई काम में प्रॉब्लम नहीं है, किसी को दौड़ने का ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग बुज़ुर्ग लोग दौड़ते हैं वृद्धा पेंशन के लिए, कई लोग पार्षद लोग तो मदद करते हैं, जाते हैं आते हैं, लेकिन कई लोग खुद से भी जाते हैं, तो उनके लिए एक अलग व्यवस्था रहेगी। एक वन पीस काउंटर, जहाँ एक काउंटर पर जाए आप, राशन आपका वृद्धा पेंशन जो भी समस्या हुआ वहीं से डायरेक्ट सुनवाई। जो जीत कर आएंगे पार्षद उनके लिए क्या कुछ आप करेंगे? सब लोग को मिला के चलेंगे, जो भी जीत के आए पार्षद लोग सब लोग को, जनता 40 वार्ड के जनता लोग सब लोग को मिला के चलना चाहेंगे अगर हमें मौका मिलती है तो, और बढ़िया से सेवा करेंगे। नहीं, जो अभी फ़िलहाल में पार्षदों की शिकायत रही है, कहीं ना कहीं आपकी पत्नी की भी एक शिकायत रही है कि बोर्ड मीटिंग में पारदर्शिता नहीं होती है। बोर्ड मीटिंग तो होती नहीं है, साल में एक आध बार हो जाए बहुत है, ये तो सच्चाई है। इसको किस तरह से आप दूर करेंगे? हर महीने बोर्ड मीटिंग होगी, हर महीने बोर्ड मीटिंग होगी, सबसे राय मशवरा होगा और सिस्टम ठीक किया जाएगा वहाँ का। अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से दानापुर की जो जनता है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से दानापुर के जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि हम आ रहे हैं आप लोग के आशीर्वाद से उपाध्यक्ष पद पर लड़ने और आपके सेवा करने, और हमें मौका दिया जाए और एक बार मौका दीजिए, विकास देखिएगा हमारा। जी धीरज जी, आपकी आवाज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी, धन्यवाद।